Hi everyone, namaste, welcome back to a new DIY video. So today's video is going to be a jewelry making video. Festive season start ho chuka hai, toh maine socha kyun na is baar kuch festive jewelry try ki jaye. Toh aaj ke video mein hum two different navratri special necklace and earring set banayenge hand painted jewelry. Toh chaliye video start karte hain. तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है फोम सीट और उसको कवर करने के लिए हमने लिया है कैनवस फैब्रिक। तो फोम सीट को हम इस फैब्रिक से कवर कर लेंगे। स्टिक करने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू यूज किया है। ओके, सो ये हमारा रेडी है। अब पेंसिल की हेल्प से मैं इसमें एक रफ डिजाइन स्केच कर रही हूँ और इसे हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक्रेलिक कलर यूज किए हैं। ये फोम सीट जो है वो आपको स्टेशनरी में मिल जाएगा और ये जो कैनवस फैब्रिक है जहाँ पे आपको फैब्रिक सारे मिलते हैं वहाँ पे ये आपको इजीली मिल जाएगा। कैनवस फैब्रिक को हम हिंदी में बकरम भी कहते हैं। ये नॉर्मली बहुत सारे स्टिचिंग में यूज होता है। फेस्टिवल्स में इस तरह के हैंड पेंटेड बड़े साइज के ज्वेलरी बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए। इसे बनाने में ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। आप पेंटिंग क्या करना चाहते हो इट्स अप टू यू। जस्ट आपको कैनवस फैब्रिक के साथ में एक बेस रेडी करना है और उसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पेंट कर लेना है। और इसका लुक थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने ये साइड पे स्टोन स्टिक कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सो ये जो पेंडेंट है हमारा रेडी है। अब इसमें ये मैं कनेक्टिंग रिंग अटैच कर रही हूँ। और इसके बाद हमने ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है रेड कलर का और इससे हम इसका चेन रेडी कर लेंगे। आप इसे जस्ट थ्रेड डालकर भी छोड़ सकते हैं या फिर अगर आपके पास बीड्स हैं या बीड्स डालना चाहते हो तो आप इसमें पूरे में बीड्स डाल सकते हो। एंड दूसरे एंड पे नॉट लगाकर सिक्योर कर लेंगे। एंड दैट्स इट, हमारा ये नेकलेस रेडी है। ओके, सो अब सेम वे में हम इसके सेट के इयररिंग बनाएंगे। ये मैंने एक छोटा स्क्वायर पीस लिया है, सेम कैनवस फोम सीट को कैनवस फैब्रिक से कवर करके और इसको रेडी किया है। और जो फ्लावर डिजाइन हमने नेकलेस पे बनाया था सेम फ्लावर डिजाइन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अगेन इसमें भी हमने कुछ स्टोन स्टिक कर लिया है। एंड अब कनेक्टिंग रिंग और के साथ में हम जो इयररिंग हुक होता है उसे इसमें अटैच कर लेंगे। एंड दैट्स इट, हमारा इयररिंग भी रेडी है। तो ये है हमारा फर्स्ट नेकलेस सेट। आई रियली एक्साइटेड टू नो कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो और आप इसे ट्राई करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो अगेन हमने ये राउंड शेप का फोम सीट लिया है और इसे हम हाफ से फोल्ड करके और
हाफ सर्कल कट कर लेंगे। तो ये हम एक पीस यूज़ करेंगे और ये राउंड कैनवस फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की हेल्प से हम इसे इस तरह से स्टिक करके कवर कर लेंगे। स्टिक करने के लिए हमने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। अब जो भी डिज़ाइन आप इस पे क्रिएट करना चाहते हो वो आप ड्रॉ कर लो। मैं इसमें वॉर्ली आर्ट बना रही हूँ। सो पहले मैंने पेन की हेल्प से ड्रॉ किया है और उसके बाद हमने ये ब्लैक 3D लाइनर लिया है और जो भी आउटलाइंस हैं उसको 3D लाइनर की हेल्प से क्रिएट कर लेंगे। आप लाइनर के प्लेस पे नॉर्मल ब्लैक एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो 0 नंबर ब्रश के साथ में। और अब जो ये डिज़ाइन है इसे हमने रेड कलर से फिल कर लिया है। एंड दैट्स इट, इसे हम ड्राई होने देंगे। हमारा ये पेंडेंट रेडी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने ये पॉम पॉम लेस लिया है रेड कलर का और इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और इसमें हमने ये कनेक्टिंग रिंग भी अटैच कर लिया है। एंड नेक्स्ट हमने लिया है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड रेड कलर का और कुछ बीड्स। तो इस तरह से हम इसका चेन अटैच कर लेंगे। इसमें मैंने बहुत कम बीड्स यूज किया है। एंड दैट्स इट, हमारा ये नेकलेस रेडी है। एंड सिमिलरली हम इसके इयररिंग्स भी बना लेंगे। आई नो कि आप लोगों में से कुछ को मेरे ज्वेलरी मेकिंग वीडियो बहुत पसंद है और कमेंट्स में मुझे रेगुलर रिक्वेस्ट भी आते रहते हैं, बट आई एम रियली सॉरी, आजकल मैं रेगुलर ज्वेलरी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। बट इसका रीज़न ये है कि मुझे अब ज्वेलरी मेकिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है और कोई भी काम विदाउट इंटरेस्ट करे तो वो अच्छे से नहीं होता है, राइट? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड दैट्स इट, हमारा ये इयररिंग भी रेडी है। सेम तरीके से हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है और ये बनने के बाद बहुत प्यारे दिख रहे हैं, एज यू कैन सी। तो ये है हमारा सेकेंड नेकलेस सेट। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप इन दोनों में से एक भी ट्राई करते हो तो मेरे साथ पिक्चर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड फेस्टिव सीजन।